अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की हमारी रेसिपी है बिरयानी। और बिरयानी तो सबके घरों में बनती है, सब बनाते हैं, सबके अपने अपने अंदाज़ होते हैं बनाने के। तो चलिए आज हमारे अंदाज़ में भी आप सीख लीजिए कि हम अपनी बिरयानी कैसे बना रहे हैं। मैं आज कुछ डिफरेंट ही अंदाज़ में बिरयानी बनाऊंगी, जो कि ओवन में बनाएंगे हम। बस इसका मसाला जो है पहले तैयार कर लेंगे। उसके लिए दो तीन आप मीडियम साइज़ के अनियन लें और उनको चॉप कर लें छोटा छोटा। जब अनियंस आप चॉप कर लेते हैं तो हसबे ज़रूरत आप ऑयल ले लें और पैन में, और जो अनियंस हैं उनको आप लाइट पिंक सा कलर उनका कर लें। लाइट पिंक कलर होने के बाद आप इसमें अपना जो चिकन है वो शामिल कर दें। मैं चिकन की बिरयानी बना रही हूँ और उसके लिए चिकन यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कट कर लिया पीसेस में, जो कि अब मैं इसको फ्राई करूँगी अनियंस के साथ। और तब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे तो आप इसमें जो बकाया इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी कि यहाँ पे मैंने 2 से 3 अदद गार्लिक और जिंजर को छोटा छोटा चॉप कर लिया है, और 2 से 3 ग्रीन चिलीज़ हैं इनको चॉप कर लिया है, और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मैं शामिल कर दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास साबुत मिर्चें भी हैं, ये 10 से 12 मेरे पास साबुत मिर्चें हैं, वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। और यहाँ से मेरे पास 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमेटोज़ हैं, इनको चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मेरी बकाया जो प्रेपरेशन है बिरयानी की वो भी रेडी है। साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लेमन ऐड किया है और जो टमेटोज़ हैं वो भी शामिल कर दिए हैं। आज जो बिरयानी बना रहे हैं उसमें हम आलू भी शामिल करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं, जिनको मैंने पीसीज में कट कर लिए, बड़े बड़े पीसीज में। और अब इसमें मैं अपनी स्पाइसेस जो हैं वो शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, सॉल्ट, और 1 टीस्पून रेड चिली, 1/2 टीस्पून टर्मरिक हल्दी, और 1/2 टीस्पून सूखा धनिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास शान का बिरयानी मसाला है, जो कि अब मैं इसमें थोड़ी देर बाद शामिल करूँगी। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया ताकि जो हमारे आलू हैं वो भी अच्छे तरीके से गल जाएं और चिकन भी अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है और बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पे पोटैटोस जो हैं वो भी मैंने चेक कर लिए हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पे मैंने जो चावल जो हैं वो सेपरेट बॉईल कर लिए थे, और वाइट राइस मेरे सेपरेटली मैंने बॉईल करके एक डिश में निकाल लिए हैं। अब इनको हम लेयरिंग करेंगे। फर्स्ट लेयर जो है चावलों की, जो है राइस की हम लगाएंगे नीचे, और उसके ऊपर हम चिकन की एक लेयर लगाएंगे। और इसी तरह तमाम जो अपनी लेयर्स हैं वो हम एक लेयर चिकन की और एक लेयर चावलों की लगा के इसको इस डिश को बिल्कुल रेडी कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे चिकन के बाद एक और लेयर लगा रही हूँ चावलों की, और राइस की एक और लेयर लगा के उसके ऊपर मैं दोबारा से अपना जो चिकन का जो सालन है वो उसकी लेयर लगा रही हूँ। और यहाँ पे बिरयानी मसाला जो है साबुत जो पैकेट का शान मसाला था वो मैंने शामिल किया है। और अब यहाँ पे कलर, फूड कलर मेरे पास येलो कलर अवेलेबल था, वो मैंने शामिल कर दिया है। और मैंने इसको गार्निश के लिए, यानी कि पोटैटोज़ यूज़ किए हैं, बॉयल सॉरी बॉयल एग्स यूज़ किए हैं इसको सर्विंग के लिए।
आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ओवन जो है ऑन कर दिया है और इसको प्री हीट कर लिया था मैंने 5 से 10 मिनट पहले इसको चला लिया था और एल्युमिनियम फॉयल लगा के मैंने अपनी जो डिश है वो ओवन में रखती थी और 15 से 20 मिनट में मेरी डिश बिल्कुल रेडी है। अब सर्विंग हो रही है, मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे सर्विंग कर रहे हैं और हम इसको एंजॉय करेंगे। आप भी ज़रूर अपने इसको ट्राई करें और मुझे दुआओं में याद रखें और अपने फीडबैक से आगाह करें।